हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतु स्टडी पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, आज हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन गति के समीकरण में थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम गति के तृतीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले गति का तृतीय समीकरण होता है क्या है, तो वो होता है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए ग्राफ हमारा वही है जो हमने पहले पढ़ रखा है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब फिर से हम वही जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किया था कि t समय में चली गई दूरी वो क्या होगी, चतुर्भुज। अब ये क्या है, समलंब बन रहा है, समलंब जिसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो समलंब ओ ए सी डी ई का क्षेत्रफल। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है समांतर भुजाओं का योग। देखिए अब इस समलंब में समांतर भुजाएं कौन सी होंगी, ये वाली और ये वाली, यानी ओ ए और सी ई। तो समांतर भुजाओं का योग इंटू दूरी, अब ये दूरी कौन सी है, इन्हीं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। हमने सेकेंड इक्वेशन में क्या किया था, इसी ट्रेपेजियम का एरिया जो निकाला था दूसरे तरीके से निकाला था। अब यहाँ पर जो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल रहे हैं वो और दूसरे मेथड से निकाल रहे हैं। तो अब देखिए समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजाएं होंगी इसमें ओ ए प्लस दूसरी समांतर भुजा हो जाएगी सी ई। तो ये लिखेंगे ओ ए प्लस सी ई अपॉन टू इंटू, अब इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस हम ओ ई भी ले सकते हैं, ए डी भी ले सकते हैं, तो मैंने लिख दिया ए डी। अब ये सारी वैल्यूज में डालते हैं तो ओ ए, ओ ए क्या है मेरे पास, यू प्लस सी ई। तो सी से लेके ई तक जो ओ ओ भी होगी वही क्या हो जाएगी, सी ई। तो लिख देंगे ये कितना हो जाएगा, बी अपॉन टू इंटू। अब ए डी, ए डी आ गया टाइम, ये पढ़ लिया। अब इक्वेशन के मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के प्रथम समीकरण से। अब गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, देखिए ये होता है b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये होता है गति का प्रथम समीकरण। अब यहाँ से अगर मैं इस t की वैल्यू निकालूँ तो आ जाएगी b माइनस यू अपॉन ए, ये होती है t की वैल्यू। तो यहाँ पर बस ये वाली वैल्यू इस t की जगह पर हम डाल देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा u प्लस बी अपॉन टू इंटू, अब इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए ऊपर जो बन रहा है b प्लस यू बी माइनस यू, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a, a की जगह पर हम क्या ले लेंगे, मैं अगर इसको इस तरह से लिख दूँ कि b प्लस यू कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, और इधर जो डिस्टेंस चल रही है वो चल रही है s, तो s इज इक्वल्स टू इतना आ गया। अब वो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा टू ए एस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अब यू स्क्वायर को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा टू ए एस प्लस के यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के टू ए एस, और यही क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो ये मेरे को दिख रही है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, तो सबसे पहले टी समय में चली गई दूरी, अब टी समय में चली गई दूरी कैसे निकलेगी, ये जो समलंब दिख रहा है मुझे ओ ए सी डी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि ये डिस्टेंस है। अब इसका क्षेत्रफल होता क्या है, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी अपॉन टू। अब समांतर भुजाएं जो होंगी यहाँ पर ओ ए और सी ई, क्योंकि समांतर भुजाएं इस तरह से होती है ना, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हमने वैल्यू रख दी ओ ए प्लस सी ई अपॉन टू, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी ए डी, अब ए डी इज इक्वल्स टू लिखा हमने टी। अब यहाँ पर गति के प्रथम समीकरण से मैंने वैल्यू डाली है
यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि t इज इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन ए, और ये कहाँ से आया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आया है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी तो s इज इक्वल्स टू हो गया b प्लस यू अपॉन टू इन टू बी माइनस यू अपॉन टू। अब ये फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास कि a प्लस बी इन टू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा, अब a की जगह पर b है तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस जगह पर हमने कर दी इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो गया 2as इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये यू स्क्वायर इधर माइनस में, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब इसको हम पलट के लिख देते हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यही होती है गति का तृतीय समीकरण। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।